हेलो दोस्त, हाय, इसमें विष्णु थापा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो भी, नहीं लगी तो भी लाइक और शेयर तो बनता ही है, थोड़ा हौसला बढ़ेगा मेरा। मैं इस वक्त आया हूँ, ये जयपुर का कनक घाटी है, ये पहली बार आया हूँ यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा सुंदर सा ये आर्टिफिशियल मगरमच्छ, ये घाटियाँ, ये पानी है, वो देखिए सामने आपको ये पानी बैठा हुआ। कुछ लोग वहाँ इधर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जिस तरीके से है ना, वो सामने से एंट्री गेट है, वहाँ से आ रहे हैं कुछ लोग। ये फूल वगैरह कुछ बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे। चलो आगे चलता हूँ और करते हैं आगे की बात। अगर दोस्तों मैं इस वक्त कनक घाटी व्यू, मैंने आपको पहले क्लिप में बता दिया था, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये राधा नारी है। और वहाँ पे आप पेड़ पे देखिए कृष्ण जी हैं। बहुत सुंदर जगह है और यहाँ पे आप आके अपनी अच्छी खासी वीडियो बना सकते हैं। यूट्यूबर हैं कोई, उसके लिए मैं पहली बार ही आया हूँ, बट रहता मैं जयपुर में हूँ। ये देखिए और काफ़ी पीछे का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है ना, देख सकते हैं आप, बहुत सुंदर जगह है। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ राधा और कृष्ण नाचते हुए। दूसरी बैक साइड में आ गया हूँ मैं। दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है, पहला ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। ये देख रहे हैं आप, ये नाच रहे हैं यहाँ पे। इस जमाने में किस तरीके से भगवान के टाइम पे क्या होता था, क्या नहीं होता था, बहुत ही सुंदर दिखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पर, है ना, आप देख सकते हैं। तो थोड़ा तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये तीसरे भाग में आ चुका हूँ यहाँ पे ना। इसको शुद्ध हिंदी में बकुला बोलते हैं, जब कृष्ण जी को बकुला खाने वाले थे तब की ये तस्वीर कुछ रखी हुई है। आगे और दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों मैं चौथा हिस्से में आया हूँ यहाँ पे। ये माता जी है, कुछ काम कर रही है अपना। तो इनका कहना है कि मेरी एज 60 साल की है और उससे बहुत पहले, मतलब राजा महाराजा के टाइम से ही बन चुका था ये। तो ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे। और एक कॉमेडी से हो गया कि सब मम्मी वगैरह कह रही हैं कि बोल यहाँ शहर की आवाज आ रही है, वो शहर की आवाज नहीं थी, स्पीकर में मतलब एक शहर की आवाज सेट कर रखा है जो शहर की आवाज आ रही है। तो चलता हूँ मैं दूसरी साइड में, चलते हैं वहाँ पे करते हैं कुछ बातें। फाइनली अब चौथी और आ चुका हूँ, चौथी या सॉरी पांचवी और आ चुका हूँ। इधर छोटा सा मुझे पुल दिख रहा है, इसके ऊपर जाके देखते हैं कैसा रहता है। और आपको नीचे का भी वो दिखाऊंगा जहाँ कृष्ण जी ऊपर देख रहे हैं और राधा नहा रही हैं, वो कुंड दिखाऊंगा आपको। ये पुल है इधर। मैंने कहा यार, हर बार ही मैं अपने चैनल पे सिर्फ फोटो के संबंधित रखता हूँ, तो मैंने आज थोड़ा वॉक कर रहा था, मैंने कहा ब्लॉग का भी डाल देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो छोटा सा बना करके मैं आपको इधर दिखाऊंगा अभी। तो अभी मैं जस्ट इस पुल के ऊपर खड़ा हूँ, है ना। तो आपको उधर का ये पीछे का सीन जो इधर से मैं आ रहा था वो है। चलते हैं आगे, वहाँ नीचे कुंड में दिखाता हूँ मैं आपको। पर ये पानी जा रहा है दोस्तों, राधा ये राधा नहा रही हैं और कृष्ण जो देख रहे हैं। ये यहाँ पे ये झरना सा है, चालू नहीं है, तो बहुत कम है, कम उसमें गिर रहा है अभी। मैं उस जगह पे खड़ा हूँ। अगर आप जयपुर से हैं या जयपुर से बाहर भी हैं तो यहाँ घूमने जरूर आए, आपको अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट के जैसे मैं वीडियो बना बना के यूट्यूब में डालता हूँ, आप लोग को नई नई जगह दिखाऊंगा। पहला ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं ब्लॉग का, तो फ्रेंड्स अच्छा लगता है, कुछ हंसी होंगी, कुछ मजाक होंगी इसमें। चलो फाइनली मैं आपको अब नीचे ले चलता हूँ, नीचे की तरफ चलते हैं और जान राधा नारी हैं और कृष्ण जी देख रहे हैं। ये देखिए कुछ लोग सेल्फियां ले रहे हैं वहाँ पे। ये राधा है, वो सामने आपको दिख रही होंगी, ये मूर्ति बिल्कुल मेरे हाथ के उधर देखिए, ये कृष्ण जी हैं। और उस जमाने में बहुत कुछ होता था, मैंने किसी से पूछा भी, मैंने कहा भाई ये कब बना था, वो माता जी से पूछा हमने, बोला कि ये राजा महाराजा के टाइम से बन रहा है, अभी बहुत पुराना है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है ना, ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और आगे की मैं आपको डिटेल्स और बताता हूँ। मैं फाइनली आगे आ चुका हूँ यहाँ पे, ये पानी बहता हुआ आपको दिख रहा होगा, देखिए कुछ लोग फोटो का लुफ्त उठा रहे हैं वहाँ पे। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे जो
बहुत ही प्यार से देख रहे हैं आप, चिड़िया ने घोंसला बना रखा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्वीट्स है, लेकिन एग नहीं है इसमें, चिड़िया नहीं नजर आया। और कुछ रोमांसिक लोग आते हैं, उन्होंने अपना नाम पत्तों पे लिखे गए हैं, माई प्रेम इस तरीके से, है ना। तो दोस्तों बस आपका आशीर्वाद और आपकी सपोर्टिंग मुझे मिलेगी तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाता फिरूंगा। मैं थोड़ा आगे की तरफ जिधर से मैंने एंट्री किया था तो उस तरफ जा रहा हूँ, राइट हैंड से चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से मैंने स्टार्ट किया था। चलो आगे के सीन और दिखाता हूँ, जहाँ पे अच्छी जगह मिलेगी वो आपको मैं बताता जाऊँगा। अब ये मेरा लास्ट वीडियो होगा और मैं बस एंड में जब गेट के पास पहुँचने वाला था ना, तो मुझे यहाँ पे इतना सुंदर चीज दिखा, मैं आपको थोड़ी सी कैमरे में कवर करके दिखा देता हूँ, धूप काफ़ी तेज हो रही है। ये किसने जी जब नाग को मार रहे थे तो नागन आकर के विनती कर रही थी कि यार मुझे मत मारो इनको, तो उसकी कुछ मूर्तियाँ लगी हुई हैं, कुछ झलक हैं, ये देखने को आपको मिलेगा। बस अब यहाँ से मैं लेफ्ट में मुड़ जाऊँगा तो मेन गेट आ जाएगा, जिधर से मैंने एंट्री किया था वहाँ जा रहा हूँ, है ना। ऐसे आप मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी खुशी मिलती है। अगर आपको पसंद हो तो भी लाइक करिए, नहीं हो तो भी थोड़ा सा हौसला मेरा बढ़ेगा। मैंने ये बात पहले भी आपको इसी वीडियो के अंदर बोला हुआ है, बार बार एक चीज़ बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता दोस्तों। बस मैंने पहली बार ही लाइफ में ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिससे थोड़ा सा आपको घूमने फिरने में अच्छा लगे। बस ये यहाँ से अब लास्ट है, अब मैं निकलने की तैयारी में हूँ। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो 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 मच ऑल गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय।